your sweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. कि आप सब बढ़िया ही हो गए और मैं आज इंडिया जा रहा हूँ पूरे 10 महीने बाद, मतलब लगभग 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर के बाद मैं इंडिया जा रहा हूँ। और मेरे साथ में हूँ खान है, खान और मैं एक टैक्सी में, बाकी सब अलग अलग टैक्सी में बहुत सारे। और आज हमारी लेडी ड्राइवर आई है, ये आंटी हमारे साथ है। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि बस मुझे नींद आ रही है मेरे को लग रहा है। और जाते हैं एयरपोर्ट पे, मिलते हैं एयरपोर्ट पे, जाके अच्छे से बात करेंगे। ये एंटी का ले लिया है हमने वीडियो, थोड़ा सा मस्त ड्राइवर है, गाने वाने इंडियन पसंद नहीं है। गुड इवनिंग गाइस। हेलो, गुड इवनिंग गाइस, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रहीम राजपूत और आप इसे जानते हो खान सिंह तनवर। आज हम आए हैं औरंगाबाद एयरपोर्ट, क्योंकि हम जा रहे हैं घर दिल्ली इंडिया। और हमारे साथ खान, परवीन, शिवम, राजेश और दीपक, वो सब अंदर चले चुके हैं और हम लेट हैं। हमारी टैक्सी लेट आई थी तो हम लेट हैं और हमें अभी बोर्डिंग पास भी बनवाना है, बहुत लेट हो चुके हैं। और मेरे पीछे आपको एयरपोर्ट दिख रहा होगा। और खान सिंह से बात करो आप थोड़ी। चलो ठीक है, बाय गाइस, मिलते हैं अंदर जाके। पहुँच गए मॉस्को 2 घंटे 25 मिनट की फ्लाइट के बाद। सब हो गए फ्रेश, मेरे पीछे सब है, सब खान सिंह और ये राजेश जो मेरे पीछे। और अब मेरी चांस है फ्रेश होने की, मिलता हूँ फ्रेश होने के बाद। हमारा कितना घंटे का वेट है? 10 घंटे। परवीन कहाँ घूमने जा रहे हैं? मॉस्को में तो है, मॉस्को में कहाँ है? क्रेमलिन पे जाएंगे फिर उसके बाद। While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. ये हमारे रहीम भाई ब्लॉग बना रहे हैं। भाई तेरी कसम, मेरे जाने को मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है बल्लभगढ़ से आया हो। भाई बल्लभगढ़ से ही अरे ओए ये होता है, अरे यहां 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 जाना। भाई आप सोच रहे होगे कि मैंने जैकेट क्यों पहनी है, भाई यहाँ पर है ठंड। एक बात बताऊँ भाई, इतना इतना सेट मौसम है, नहीं मैं वास्तव में बता रहा हूँ मेरा नहीं कर रहा यहाँ से जाने का भी, घर नहीं जाने का मन नहीं कर रहा ना यार इतनी। भाई मैं बताता हूँ, खूबसूरत जगह है ना ये यार, मुझे लग रही है ठंड और ये भूल गया जैकेट घर पे। आपको बहुत अच्छा लगा, बताता हूँ ओ भाई सामने मेरे पीछे,
भाई ऐसा मौसम होने वाला ना आज। ओ तू सूट च बंदूक लगती झील विच बम गोली। बिल्कुल अभी भाई अभी बम आएंगी। हम ये मॉस्को इसलिए घूम रहे क्योंकि हमारी फ्लाइट है कल सुबह। तो क्या करते हैं? 2 बजे। अरे घूमने के लिए सुबह नहीं दोपहर के टाइम। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो घूम लेते हैं मॉस्को। भाई हम सोचे हम रेड स्क्वायर देखने आ रहे थे बट मैंने बोला सबसे बोला मैंने कि चलो भाई रुक जाओ रेड स्क्वायर बाद में पहले स्ट्रीट ही घूम लेते हैं। भाई ऐसे भाई पहले आपसे बात बात करेंगे पहले आप नज़ारा दो। मॉस्को में सबसे ज़्यादा मशहूर है क्या कहते हैं रशियन में क्या कहते हैं रशियन में क्रैम्बल क्या क्रैम्बल आज अभी कुछ कहते भाई मोहन में तो ये रेड स्क्वायर है तो है। और ये देखो भाई यहाँ पर कितने मस्त बहुत मस्त भूल अपना फ़ोटो खिंचा रहा है। और ये लगे पड़े हैं सब यहाँ पर मैंने सुना है कि बता रहे हैं कि यहाँ पर पुतिन रहता है रशिया का प्रेसिडेंट है वो रहता है पुतिन। ये उसका महल और उधर देखो ऐसे लग रहा है कि कोई नकली सीनरी वगैरह लगा रखी है सामने बट ऐसा कुछ नहीं है सब ओरिजिनली है। यहाँ पर भाई एक था रेड स्क्वायर के पास एक मॉल मॉल है जो कि बहुत फेमस बताया उसकी लाइटनिंग आप देख सकते हो एक बार दिखाना लाइटनिंग लाइटनिंग तो वही लाइटनिंग बहुत अच्छी है यहाँ पे। चलो आपको इसके अंदर ले चलते हैं। खान भाई ने जो कहा ना बिल्कुल सही कहा नेक्स्ट टाइम बिल्कुल पक्का दिखाएंगे बस हमारे साथ चलो एक स्ट्रीट ले जाते हैं जिस स्ट्रीट पे बहुत अच्छी लाइटनिंग है। हाँ भाई वो आते हैं और ऊपर लाइटनिंग होती है बढ़िया एकदम। भाई मैंने आज तक वो स्ट्रीट बस वीडियो में देखी थी या तो किसी की स्टोरी में देखी थी इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था जब से हम चले थे कि मॉस्को का हमारा प्लान है घूमने का तब से रहीम बता रहा था कि यार मुझे वो स्ट्रीट देखनी है देखनी है इस बार देखने आ जा भाई चल रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल चल रहे हैं टेंशन ना लो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं थोड़ा भाग लेते हैं। भाई जो सोचा था बताना भाई कहाँ आए अब। हाँ भाई हम आए हैं यहाँ पर मॉस्को ये मॉस्को सिटी। नहीं यार वो तो मैंने पहले ही बता दिया मैं बोल रहा हूँ जो मैंने सोचा था कि जो स्ट्रीट पे स्ट्रीट है ये मेरे नज़रिए से वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीट है मॉस्को की सबसे ब्यूटीफुल दिखा दे रहे हैं। इसे कहते क्या है स्ट्रीट शायद अरबाज निकोल कौन सी स्ट्रीट है ये है जी निकोल्स का स्ट्रीट बहुत ही ब्यूटीफुल है इसकी मतलब इतनी सजावट कर रखी है ना मैं कहूँ इतनी शादी में नहीं रखती हुई कसम से मतलब तू ये दिखा ही नहीं मतलब। तो भाइयों ये स्ट्रीट सबसे मतलब बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रीट है और यहाँ पर सजावट देखो अपनी ये देखो फूल मतलब हर वेराइटी की गेंदे का फूल भी है मतलब यहाँ पर और आप जैसे हमारी टाट के ऊपर सर के ऊपर हमारे मतलब इतनी सजावट है ना कि ये लगा लो कि शादी आ जाए मेरी यही लगा लो तुम ये हमारे मैनेजर सर हैं ये जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने ये ओए अपने वो दिखाओ ये डॉक्टर शिवम पटेल अब ये देखो इंडिया में +46 और यहाँ पर +10 गर्मी दोनों साइड ही है और ये हमारे ढोल साहब ये फोटो लेने में लगे हुए हैं ये लगे ही रहते हैं। और ये थान सिंह एडिडास का क्या पहन के आया आर्मी मैन एडिडास ये ब्रो भाई इसकी एज कम से कम 60-65 साल है और ये देखो यहाँ पर क्या काम कर रहा है खुद ये टैलेंट है भाई टैलेंट
भाई भाई यहाँ की वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटी मतलब सबसे सुंदरताएं कन्याएं जो है ना लड़कियाँ मतलब मॉस्को में दिखेंगी, वो मॉस्को में दिखेंगी और तुम्हें पूरी दुनिया में नहीं दिखेंगी भाई। बोलते हैं कि मॉस्को की मतलब रशिया की सबसे खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं मतलब, और रशिया के अंदर मॉस्को एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम्हें हर वेराइटी के इंसान दिखेंगे मतलब हर वेराइटी कंट्री हर कंट्री के आदमी हर कल्चर के मतलब हर कल्चर के बोल सकते हो मतलब मजा आ रहा है यार कुल मिला के ये बात है ना। मैं कहूँगा अगर तुम पूछोगे ना कि कौन सी कंट्री में जाना पसंद करोगे तो भाई कंट्री छोड़ो तुम मॉस्को में आओ न्यूयॉर्क लंदन गोली मारो उनके मॉस्को घूम पा दोगे अपना ही मजा है भाई। ये जो भाई इसे पता इतना क्यों पता है रशिया के बारे में, मतलब ये रशियन हमारे कॉलेज में रशियन पढ़ाते हैं तो इसे अफ्तमात मिलता है, अफ्तमात मतलब उसे एग्ज़ाम देना नहीं पड़ता कुछ नहीं देना पड़ता तो उसे हिस्ट्री बहुत अच्छे से पता है रशिया की ज़्यादा रशिया भाई बस बढ़िया। अंकल जी कह रहे हैं मतलब अंकल जी वो रशी वो आती है देखो हिंदी बढ़िया बोल रहे हैं भाई मुझे लग रही है थोड़ी थोड़ी भूख तुझे अभी यहाँ हाँ मेरे को भी बहुत लग रही है कुछ खाया नहीं आज मतलब अच्छी तरह से कुछ नहीं खाया आज क्योंकि ट्रैवलिंग में सारा दिन निकल गया और अब KFC आने वाला है हमारा मनपसंद बाहर का खाना क्यों पता नहीं अभी क्या खाएंगे अभी डिसाइड करके बताते हैं पीछे भी मैं तो भाई वेज हूँ देखो भाई और ये हमारे नॉन वेज है बंदे नहीं मैं भी वेज हूँ आज आज कैसे चलो ठीक है कोई नहीं वेज नहीं भाई। दीपक अब कहाँ जा रहे हैं भाई अब यहाँ पर हम आए हैं ये बिजनेस सेंटर है ये मतलब यहाँ की सब बिजनेस वगैरह का सब काम यहीं पर होता है तो यहाँ पर आए यहाँ पर आप बिल्डिंगें देखोगे तो आप देखते रह जाओगे मतलब इतनी ऊपर भाई मैं कह रहा हूँ मेरे से ना अपनी गर्दन ऐसे करके भी नहीं हो रही पूरी बिल्डिंग नहीं देख आपको 90 डिग्री ऊपर गर्दन करनी पड़ेगी अपनी तो देख पाओगे भाई। रेड स्क्वायर घूम लिया उसके बाद वो कोई थी वो देख ली दिखा यार और भाई ये देखो ऐसे ऐसे ये देख ये ऐसे मतलब ऊपर तक ही है बस ये लगा लो ये बस है कुछ तो है भाई ये कुछ तो भला है। और इनमें 2 महीने बाद जब बादलों का सीजन आ जाएगा मतलब बादल हुआ करेंगे तो इनकी बिल्डिंग टॉप से दिखे ही नहीं करेंगी ऐसा सिस्टम हो जाएगा भाई कुछ तो है भाई। चलो हम ऐसे व्यू देखने जा रहे हैं जहाँ से ये 10-15 बिल्डिंग है एक साथ दिखती हैं वहाँ उधर जा रहे हैं उधर पहुँच के तुम्हें व्यू दिखाते हैं ठीक है। ये हमारा आज का गाइड है जो गाइड लगा लो कुछ भी लगा लो हाँ लेकिन एक बात बता देता हूँ अगर आना है दिन में आओ मतलब शाम को आओ मतलब शाम को मस्त घूमो क्योंकि टेम्परेचर होता है सही इस टाइम हमारी ठंड में हालत है ख़राब। ओ भाई ये हमारा आज का आखिरी प्लेस है जहाँ पर हम घूम रहे हैं उसके बाद नेक्स्ट टाइम अलग वीडियो बनाएंगे उसके लिए हाँ तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही हाँ उसको घर से आते वक्त बनाएंगे हाँ। चलो ठीक है मिलते हैं थोड़ी देर में आपको अभी दिखाते हैं यहाँ पर नज़ारा। देखो एक ऐसी चीज दिखाएंगे कि आप सोचोगे कि हाँ काश मैं भी यहाँ पर होता तो देखिए जरा इन्हें दिखाई यार आप देख रहे हो हमारे पीछे जो नजारा है ना मैं कहूँगा सबसे नजारा ये सब मेरे बाप की है पता है और मेरे बाप ने इसके बाप को दी थी ठीक है। ओये कुछ तो है भाई